अब आपसे जो मैं बात करने वाला हूं, ये है इस समय का सबसे बड़ा आकर्षण। जी हाँ, मैचिंग इनकम सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, सबसे बड़ा, जिससे कि आप वही काम करके जो पहले से करते आ रहे थे, दस आपको तरह की इनकम तो मिल ही रही थी, थोड़ा सा और आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ये 11वीं इनकम भी आपका स्वागत कर रही है। तो उसमें ट्रांजिशन क्या है, एक बार आप इसे ध्यान से समझिए, मैं बताता हूं। केस वन, 30 जून या 2021 या उससे पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन डिस्ट्रीब्यूटरों ने 30 जून या उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है और 31 जुलाई 2021 तक उनका जितना भी एक्युमुलेटेड बिजनेस होगा, उन्हें टेबल वन जो नीचे सामने आपके बना हुआ है टाइटल दे दिया जाएगा। ये हुआ 30 जून तक या उससे पहले के लोगों के लिए, जुलाई 2021 माह की ज्वाइनिंग। जिन डिस्ट्रीब्यूटरों ने जुलाई 2021 में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है उनके पास 1 महीना अधिक समय है, 31 अगस्त 2021 तक उनका जितना भी एक्युमुलेटेड बिजनेस होगा उन्हें टेबल एक के अनुसार टाइटल दे दिया जाएगा। यानी ये जो भी आपका बिजनेस चेक किया जाएगा वो 1 अगस्त को देखा जाएगा, यानी 31 जुलाई की क्लोजिंग तक। अगर आपका अपना एक्युमुलेटेड बिजनेस 0 से लेके 149 PV तक होगा तो आप मैचिंग इनकम के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर आपका पीवी एक्युमुलेशन आपके 150 से 599 तक रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आपको बिगनर का टाइटल दे दिया जाएगा और आप 6% के ऊपर मैचिंग इनकम के अंदर आ जाएंगे उस टाइटल के ऊपर। जिनका 600 PV या उससे अधिक हो चुका है, बाय डिफॉल्ट आपको एक स्टैंडर्ड का टाइटल दिया जाएगा और आपका प्रतिशत लेवल 11 रहेगा मैचिंग इनकम को प्राप्त करने के लिए। अब यहां पर जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर 11 से लेके 15% तक का है, जो कि आपने मैचिंग इनकम के अंदर समझा है, नहीं तो मैं आपको दूसरे वीडियो में इसको बारे में समझाता हूं। उदाहरण दिया गया है, राम ने 15 जुलाई 2021 को डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, राम ने 31 जुलाई 2021 तक 450 PV एक्युमुलेटेड पर्सनल परचेज कर रखे हैं तो उन्हें राम को 1 अगस्त 2021 को बिगनर का टाइटल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर राम, क्योंकि उसने 450 किया, टेबल में देखिए 450, 150 और 599 के बीच में है, टाइटल मिल गया बिगनर का, लेकिन 7 अगस्त को 150 PV उन्होंने कर लिया तो 7 अगस्त को उनका जो टाइटल है वो स्टैंडर्ड का मिल जाएगा। और अगस्त महीने के पहले सप्ताह में, जो समय 1 से 7 तारीख का है, 7 तारीख को जब मैचिंग इनकम की कैलकुलेशन होगी तो इन्हें 11% के हिसाब से जब वो पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे तो उन्हें वो मिलेगा मैचिंग इनकम। तो स्वागत है आप सभी का इस नई मैचिंग इनकम में, स्वागत है। और मैं कहूंगा आप सभी स्टैंडर्ड टाइटल के साथ आए अपना और अपनी डाउनलाइन में, जिनका भी अगर अभी तक 600 PV का बिजनेस नहीं हुआ है उनका 600 से अधिक बिजनेस करवाएं। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, मैचिंग इनकम के अंदर ही आता है कि कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, क्योंकि बिगनर में 6% फिक्स है, उसके बाद स्टैंडर्ड में आप अगर देखेंगे तो 11 से 15% है और ग्रैंड में 14 से 18% है और विक्टर में 4% प्लस है। तो कौन ऐसा होगा जो इतनी ज्यादा, अगर परसेंटेज मिलेगी उतना ही बिजनेस करने पे तो नहीं लेना चाहे। तो ये मौका आप सभी के पास है, ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है कि आप सेम बिजनेस पर 6% लें, सेम बिजनेस पर आप 11% लें, या सेम बिजनेस के ऊपर 11 से 15 लें, या 14 से 18 लें, या फिर 19 से 22 तक आप पहुंचे, ये आपके ऊपर है दोस्तों।
आइए कैसे अपग्रेड होगा आपको जरा मैं समझाता हूं। वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने 31 जुलाई 2021 या उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली है, वह 1 अगस्त से, 2 महीने का समय है आपके पास, 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2021 तक अपने सभी प्राप्त मैचिंग इनकम टाइटल को, जो बिगनर, स्टैंडर्ड और ग्रैंड को, निम्न शर्तों के अनुसार आप अपग्रेड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जितनी जल्दी अपग्रेड करेंगे, जितनी जल्दी उसी हफ्ता से उतनी परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बिगनर से स्टैंडर्ड ऑप्शन एक है दोस्तों, जिसे हमने स्टार्टअप पैकेज बोला है। सबसे पहले ऊपर की हेडलाइन पढ़ देता हूं, अपग्रेड है, फिर है ऑप्शन एक जो स्टार्टअप पैकेज के रूप में है, ऑप्शन दो डिफरेंशियल अपग्रेड पैकेज में है। इसकी एक समय सीमा दी गई है, इतने समय के अंदर आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन समय निकल जाए और उसके बाद भी अगर आप अपग्रेड कराना चाहे तो क्या, वो भी बताया गया है। पहला है, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपका 599 से कम बिजनेस हुआ है 31 जुलाई तक, तो क्या करना है आपको उसमें, आप अगर बिगनर से स्टैंडर्ड पर आना चाहते हैं, यानी 6% पे हैं लेकिन आपकी अभिलाषाएं अधिक हैं, आप 6% से चाहते हैं मैं बढ़कर 11-15% तक हमेशा मैचिंग इनकम कमाऊं, तो पहला विकल्प है हमारे यहाँ स्टैंडर्ड पैकेज है 11,999 प्लस जीएसटी का, आप उसे खरीद सकते हैं, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है, क्योंकि पहले आप ऑलरेडी एक बिगनर हैं तो हम आपको छूट दे रहे हैं, आपने कुछ बिजनेस पहले ही कर रखा है, तो उसके लिए बाकी 8,340 का, जो 8,340 एसडीपी यानी स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर जो प्राइस है, उसके ऊपर आप डिफरेंशियल परचेज करें, उसके साथ के साथ एक डायरेक्ट बिगनर पैकेज से किसी को स्पॉन्सर करें। ये दूसरा विकल्प है जिसके तहत आप बिगनर से स्टैंडर्ड में जाएंगे। समय सीमा है 30 सितंबर 2021 तक दोस्तों। अगर बाय चांस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको बिल्कुल फ्रेश माना जाएगा, जैसे लोग नए जुड़ते हैं और उनके ऊपर जो नियम लागू होगा आप उसी तरीके से अपग्रेड करेंगे। दूसरा आता है, मेरा दोस्त वो है तो बिगनर में, मैचिंग इनकम में जो उसको टाइटल मिला है बिगनर, जिसका प्रतिशत है 6%, लेकिन इच्छा रखता है कि मैं ग्रैंड बन जाऊं, क्योंकि कंपनी का ये लॉन्चिंग सेशन है, कुछ समय के लिए छूट के साथ अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है, और आपको मालूम है कि भविष्य में आप 10 लाइनें, 12 लाइनें, 15 लाइनें चलाएंगे तो वहां आपको बहुत बड़ा और अच्छा इनकम मिलेगा, या आज आप खुद आपकी 4 लाइनें 5 लाइनें चल रही है तो आपको ज्यादा इनकम चाहिए, उनके सपने बड़े हैं, तो आप बिगनर से ग्रैंड के लिए अगर मूव करते हैं, ग्रैंड जिसमें शुरुआत 14 से 18% तक आता है इसके अंदर, उन 14 से 18 आता है हमारा ग्रैंड में। करना क्या होगा, हमारे पास एक ग्रैंड पैकेज है जो कि 24,000 एसडीपी का है विद जीएसटी, आप उसे खरीदिए, पहला विकल्प ये है। दूसरा, आप डिफरेंशियल अपग्रेड पैकेज भी ले सकते हैं, 20,340 एसडीपी प्लस जीएसटी का डिफरेंशियल परचेज करें आप, साथ के साथ एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड पैकेज से आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं दोस्तों, तो भी आप बिगनर से ग्रैंड के अंदर अपग्रेड हो जाएंगे। समय सीमा 30 सितंबर 2021 तक है। अब बात स्टैंडर्ड वालों की, हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लोग आज खुद आप स्टैंडर्ड पर हैं, तो आप अपने आप को ग्रैंड में कैसे लेके जाएं, क्योंकि ये आज आपने पहले का बिजनेस किया, 600 पीवी से ऊपर कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट आप स्टैंडर्ड में तो आ गए हैं, बट ये अपग्रेड करने का मौका आपके पास 30 तारीख तक ही है। अपग्रेड क्यों करेंगे, क्योंकि आज जो भी बिजनेस होगा उस पर साहब आपको 11%, 12 और 13 मिलेगा,
लेकिन आप जैसे आप ग्रेड कर लेंगे, शुरू ही आपका 14% से होगा। आपका पहले दिन से अगर आपकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, लाइनें बनी हुई हैं, आपकी लाइनें चल रही हैं, आपको मालूम है कि आज कम पैसे में अपग्रेड हो रहा है, तो आप अभी कर लीजिए ताकि आगे का भी विकल्प खुला हुआ है आपके पास। 24,000 का सीधा SDP के आप खरीद लीजिए तो भी आपका हो जाएगा। दूसरा है कि 12,000 SDP का प्रोडक्ट विद GST आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। साथ के साथ एक स्टैंडर्ड पैकेज से आपको किसी को बिजनेस शुरू कराना है और 30 तारीख तक का समय है। अब बात आती है विक्टर की। विक्टर, जो विक्टर में आएगा वो वाकई में विक्टर बनेगा, जीत हासिल करेगा, क्योंकि इसमें +4% है दोस्तों, प्लस। चाहे स्टैंडर्ड से हो या आप ग्रैंड लेवल पर हो, आपको 4% एडिशनल का मौका है हमेशा के लिए। करना क्या है, 6 फ्रेश डायरेक्ट से स्टैंडर्ड या ग्रैंड पैकेज परचेज करवाना है। ये आपका उसके साथ भी अलाइनमेंट है कि आपको परफॉर्मेंस क्लब में 10% चाहिए, तो वैसे भी आपको अपनी 6 डायरेक्ट करने की जरूरत है, जिससे कि आप डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। एक बार जी जान लगाकर मेहनत करें, जो डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का जितना समय दिया गया है उतने समय के अंदर करें, ताकि डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का भी बेनिफिट मिले। हालांकि यहां पर समय आपको और दिया गया है, 30 नवंबर 2021 तक दिया गया है, तो आप ये अचीव कर लें। अगर आपने इस दिए हुए समय में नहीं किया तो आपको बिल्कुल, आपने पढ़ लिया, इन आप सभी को फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर माना जाएगा, और फिर ऑप्शन 1 से ही आप टाइटल अचीव या अपग्रेड कर पाएंगे दोस्तों उसी के ऊपर। अब आखिरी में है उन दोस्तों के लिए जो ग्लेज में मौजूदा डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ग्लेज में आज एग्जिस्टिंग डबल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने कभी ना कभी ग्लेज में अपनी 6 लाइनों को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है। अगर उन्हें विक्टर बनना है तो क्या, कंपनी ने उनके लिए थोड़ा कंडीशन आसान रखा है, क्योंकि आपने कभी ना कभी 6 डायरेक्ट किया था। तो पहला विकल्प क्या है, 30 नवंबर 2021 तक आपको 3 फ्रेश डायरेक्ट से स्टैंडर्ड पैकेज या बोलिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर उनको बनवाना है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना लीजिए या स्टैंडर्ड पैकेज दिलवा दीजिए, बात एक ही है दोस्तों। ये हो गया। दूसरा विकल्प भी है, आपको लगता है 3 डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, आप 1 डायरेक्ट से 30 नवंबर तक उसको विक्टर अचीव करवा दीजिए, ताकि वो भी DSD के अंदर फाइट करे, कहीं ना कहीं उसको भी 10% का मौका मिले और वो भी आगे विक्टर बन पाए। तो आप एक विक्टर बना दीजिए और कम से कम एक स्टैंडर्ड पैकेज को स्पॉन्सर करें आप, यानी 1 डायरेक्ट तो कम से कम करने के लिए बोला है। तो चाहे आप जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं उसको विक्टर बना दीजिए, या फिर आपने इससे पहले भी अगर किसी को डायरेक्ट किया है, जो आपका डायरेक्ट है, आप उसको विक्टर अचीव करवा दीजिए। समय सीमा क्या है, नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपने 0+1 मंथ में स्टैंडर्ड पैकेज लेना अनिवार्य है, इससे वह सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएगा। यानी 0+1 मंथ के अंदर ये उसको करवाना जरूरी है, क्योंकि कंडीशन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की है। समय 30 नवंबर तक है। अगर आप चूक गए, इनको फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर माना जाएगा और विक्टर टाइटल प्लान के हिसाब से ही आपको दोस्तों अचीव करना होगा। तो ये था दोस्तों मैचिंग इनकम का अपग्रेड, कि आप अपने आप को कैसे कर सकते हैं अपग्रेड। मैचिंग इनकम में ब्रिजिंग मेथड, ये भी एक बार समझ लीजिए। यदि आप मैचिंग इनकम से इंसेंटिव नहीं कमाना चाहते हैं और केवल रिटेल प्लान पर ही काम करना चाहते हैं, तो इसकी कंफर्मेशन आप कंपनी को ऑप्ट आउट फॉर्म भरकर देंगे।
और भविष्य में आप मैचिंग इनकम के लिए अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं कि आपको लगता है मैं अभी तो मैचिंग इनकम में नहीं आ रहा हूं, मैंने ऑप्ट आउट का ऑप्शन ले लिया कि मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं, मैं इससे बाहर निकल रहा हूं, एक प्रॉपर फॉर्म भर के ये होगा, तो आप ब्रिजिंग मेथड से ही क्वालिफाई कर सकते हैं। ब्रिजिंग मेथड क्या है ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। अगर आपने अपना 600 पीवी ऑलरेडी कर रखा है या उससे ज्यादा और आप मैचिंग इनकम के स्टैंडर्ड टाइटल पर आना चाहते हैं तो कम से कम आपको एक बिगिनर पैकेज परचेज करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट आप 11% के ऊपर आ जाएंगे जब भी आप मैचिंग इनकम में आना चाहते हैं। दूसरा, अगर आपका 600 पीवी से कम है तो मैचिंग इनकम को फ्रेश तरीके से, जो सबके लिए कंडीशन है, उस कंडीशन के तहत आपको क्वालिफाई करना होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको मैचिंग इनकम को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझाया और बताया। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।